भाभी जी के, अभी हम ना बहुत ही वेट कर रहे हैं कि हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं, बुआ और मम्मी जी फिर से जा रहे हैं, मतलब मैं फिर से जा रहा हूँ वहां पे हॉस्पिटल में। तो अभी कहना कि हॉस्पिटल में कोई ना कोई रहना चाहिए ना साथ में। तो दीदी की बुआ थे तो आज नहीं है, आज वो चले गए, उनको काम आ गया। तो आज बुआ जा रहे हैं और साथ में मैं और मम्मी भी जा रहे हैं। मतलब मम्मी को मतलब देखने थे वो कि उनकी तबीयत कैसी है, मिल के आना था उनसे। तो मम्मी भी जा रहे हैं साथ में, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे और बुआ जी वहीं पे रहेंगे। तो अभी आए नहीं अभी तक वो, वैसे तो वो आ गए। ऐसा ही रास्ता ना, ये वही रास्ता है यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे जाम लगा है। तो इधर आगे फ्लाईओवर बन रहा है तो उसके लिए ना यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकी है, ऐसे जाम है नहीं यहाँ पे। तो गाड़ी मैंने की है यहाँ पे पार्क, और ये जो आज हॉस्पिटल है ना पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है गाड़ियों से। आज मंडे है क्या, पता है भीड़ भीड़ रहती है मंडे को, यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे आगे भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, यहाँ भी गाड़ियाँ, निकालता हूँ। तो अंदर तो जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हो रही है, और मास्क भी नहीं लाए थे हम, मम्मी भी नहीं लाए थे। चलो मैं तो नहीं लाया समझता हूँ, लेकिन मम्मी भी नहीं लाए। बुआ जी तो चले गए, उन्होंने बोला कि अंदर मतलब काम था, ऐसे जाने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल अंदर, मतलब बहुत भीड़ है आज तो, बहुत ही भीड़ है। तो हम जा नहीं पाए, तो अभी वापिस चलते हैं घर, निकलते हैं यहाँ से, कोई फायदा नहीं हुआ आने का, बस बुआ जी को ड्रॉप कर दिया हमने। तो आज पपरोला बाजार जो होता है ना, तो वो मंडे को बंद रहता है, लेकिन सब्जियों की दुकान खुली रहती है। मम्मी गए हैं सब्जी लेने अभी, और ये सामने मंदिर। तो ये चिप्स भी लेके आया हुआ, भाभी जी के फेवरेट है ये वाले मैजिक मसाला, ब्लू वाले, ये काशनी के भी थे, कल रो रही थी इसके लिए काशनी। तो अभी हम आए हैं ये स्मार्ट पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेना है, शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, खाने पीने का सामान लेना है बस, बाकी तो कुछ नहीं। तो हमने सामान ले लिया, ये रखा है पीछे, और ये मैंने रियल जूस लिया गुआवा का, तो मम्मी ने भी लिया, देखो लीची का लिया मम्मी ने। तो अभी हम निकलते हैं घर के लिए, अभी लगी है जबरदस्त भूख लपी जी हो रही है, टाइम क्या है। तो फाइनली घर पहुंच गए, फोन को लगाते हैं चार्ज पे, मेरी तो चार्जिंग खत्म हो गई है अभी जी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, मम्मी भाई और भाभी जी बाहर गए थे कुछ काम से, तो अभी वो आ रहे हैं, मम्मी को कॉल आया कि चाय बना, तो अभी मैं बना रहा हूँ चाय। मैं घर पे अकेला था इसलिए उन्होंने बोला कि अभी चाय बना, तो मेरे को चाय बनानी पड़ेगी, तो मैं अभी चाय बनाता हूँ। घर में आने के बाद शायद मैं पहली बार ही चाय बना रहा, घर पे आने के बाद, दिल्ली में तो बनाता ही था कभी कभी बना दी, लेकिन घर पे पहली बार ही बना रहा हूँ मैं जब से दिल्ली से आया हूँ। तो वो रहा हमारा घर, तो ये जो लोकेशन जहाँ पे अभी खड़े ना, वो कितनी सुंदर है, ये पूरा फील्ड ही फील्ड, चारों खेत ही खेत चारों तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं अंकल जी के साथ नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो मैं भी जा रहा हूँ, भाई भी जा रहे हैं, साथ में अंकल है। ये देखो आगे का व्यू। तो हम सब आए थे यहाँ पे, पानी की मीटिंग रखी थी, तो पानी छोड़ते हैं ना सुबह सुबह, मतलब एक यहाँ पे एक वो है, एक मोटर लगी है, तो वहाँ से क्या पानी छोड़ते हैं सुबह सुबह, हर घर को जाता है वहाँ से पानी। तो बस उसी की मीटिंग हो रही थी, और यही कि किसने रेंट दिया पानी का या किसने नहीं दिया वो। तो ना मैंने सोचा कि मैं और भाई भी जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि घर की मीटिंग है तो पहली बार ही गए, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसलिए हम गए वहाँ पे। तो दूध आ गया, अभी दूध पी लेते हैं। भाभी जी ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, हम तीन लोग फिलहाल तो यूज़ कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं क्या, एक मैं करता हूँ, एक भाई करते, भाभी तो करते ही हैं, तीन लोग नेटफ्लिक्स में। अभी नेटफ्लिक्स वाले देखेंगे तो डालेंगे, ये भी डालेंगे इसमें, अभी तीन लोग कर रहे हैं एक में। तो एक टाइम पे एक ही देख सकते हैं, अगर जैसे मैं देख रहा हूँ तो भाभी और भाई नहीं देख सकते,
फिर कोई इन दोनों में से कोई देख रहा है तो फिर मैं नहीं देख सकता। ऐसे तो जब भी देखती हूँ ना तब मतलब फ्री होता है, कोई देख ही नहीं रहा होता। मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं जब भी देखता हूँ ना तो कोई और कोई नहीं देख रहा होता। पर ये यहाँ पे ऐसा है और दिल्ली में क्या है ना कि जैसे मैं देखूंगी ना आपको, आपके भाई डेफिनेटली देख रहे होते हैं, मतलब फिर मुझे फोन कर काट दो, नहीं नहीं अभी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, अभी मैं मेरा ट्रैवल टाइम स्टार्ट हो, नहीं नहीं तू रुक जा 10 मिनट रुक जा, मैं 15 मिनट रुकती हूँ, पर वो उनका ही बंद ही होता है। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और दिल्ली में तो मैंने यूज़ नहीं किया, घर में आके मैंने नेटफ्लिक्स लिया है, वैसे दिल्ली में यूज़ नहीं किया नेटफ्लिक्स मैंने, फिर मैंने बोल दिया कि मेरे को भी पासवर्ड दे तो मैं भी यूज़ कर लेता। और एक और चीज़ बतानी है कि भाभी जी के अभी हम ना बहुत ही वेट कर रहे हैं कि कब, हम तो सभी कर रहे हैं वेट कि कब कब होगा, क्योंकि अभी भाभी जी के 9 मंथ्स जो है वो पूरे कम्प्लीट हो गए, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया, तो अभी हम सबका मतलब यही है कि कब बेबी आता है, कब से कब मिलेगा वो, कब मतलब अभी मैं मतलब इतना एक्साइटेड है कि मतलब क्या बताएं अभी। बताएं सबर का फल मीठा होता है, तो क्या अभी तो वही समझ नहीं आ रहा था। अभी मेरे फोन की बैटरी भी 3% बची, वो भी खाना है तो सबर करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, जो भी हो सब ऊपर वाले के हाथ में, जल्दी जल्दी से हो जो भी, मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, फिर बेबी आ जाएगा तो उसके साथ ब्लॉगिंग करेंगे, फिर बेबी के साथ ब्लॉगिंग करेंगे, फिर चेंज हो जाएगा ब्लॉगिंग का, फिर इससे भी होगा अली ले ऐसा होगा। तो अभी चलते हैं सोने, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसी रेड लाइट है, यहाँ पे हमने रंग बिरंगी लाइट रखी, रेड भी है ग्रीन भी है। तो एक और चीज की मैंने ना उस बंदे को गाने के लिए बोल दिया है, तो उसने बोला कि मैं पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बैठेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है गाने में, क्या प्रोसेस है आगे कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, कि फिर अभी फिर वोकल रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, तो ऐसा बहुत कुछ होगा, तो अभी वो बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे सिर्फ उस गाने का। तो अभी एडिटिंग करते हैं, और ये हारमोनियम यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी साइड में रखते हैं उठा के, ये हारमोनियम गिटार कुछ ना कुछ रहता ही है बेड पे मेरे, क्योंकि ये इसमें पड़ा रहता है, फिर रात को सोने से पहले हटाता हूँ मैं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।